हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ चैप्टर टेंथ अबाउट स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं स्फेरिकल लेंसेज अब अगर अभी तक आप लोगों ने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखिए जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फर्दर भी बहुत बेनिफिट करेगा तो अब इस वीडियो के लिए हम पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं सबसे पहले लेंस क्या होता है लेटेस्ट डिस्कस अ लेंस इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। लेंस एक पार्ट होता है रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग मटेरियल क्या हुए रिफ्रैक्शन क्या होती है जब एक लाइट रे बाहर से आए और एक मीडियम के अंदर चली जाती है क्रॉस कर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन अगर हम बैक चले थोड़ी सी रिविज़न करें तो कोई अगर एक लाइट किसी एक सर्फेस से टकरा वापस चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लैक्शन तो यहां पर जैसे हम ग्लास की बात कर रहे हैं कांच की बात कर रहे हैं जैसे वो एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लाइट उसको क्रॉस कर जाएगी तो जिसे हम क्या बोलते हैं रिफ्रेक्शन बोलते हैं बाउंड बाई टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसिस आर स्फेरिकल अब वो बोल रहे कि जो लेंस है वो एक रिफ्रेक्टिंग मेटीरियल का पार्ट है जिसमें से एक सर्फेस स्फेरिकल हो यानी कि एक सर्फेस स्फेरिकल हो और एक ना हो या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो तो इस टाइप के लेंसेज को हम प्लेनो लेंसेज बोलते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है हम बात करेंगे इस टाइप के लेंसेज के बारे में जिसके अंदर दोनों के दोनों सर्फेस आपके क्या होते हैं स्फेयर होते हैं तो कौन से ऐसे स्फेरिकल लेंसेज हैं जिसके दोनों सर्फेसिस स्फेरिकल होते हैं शेप में पहला है आपका कॉन्केव और दूसरा है आपका कन्वेक्स लेंस तो इसकी हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट देयर शेप्स क्या होती है इसकी शेप कंकेव की शेप क्या होती है इसकी इस तरीके से शेप होती है और इसकी इस तरह से शेप होती है तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका थिकर एट द एंड थिनर एट द मिडल थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, जबकि कन्वेक्स में आप देख सकते हो होता है। आप इसको याद कैसे करोगे इसको याद आप देख सकते हो कनकेव जब हमने मिरर पढ़े थे तो वो किस तरीके की के शेप थी उनकी इस तरीके की, की शेप थी तो बस दो कनकेव मिरर है तो क्या बन गया कनकेव लेंस ये आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूं कि इसकी शेप इस तरीके की होगी तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं अदरवाइज़ इनकी फॉर्मेशन इस तरह से नहीं होती है ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है सिमिलरली कन्वेक्स जो मिरर होते हैं उनकी शेप इस तरह की होती है तो अगर एक और कन्वेक्स मिरर जोड़ दे तो कन्वेक्स लेंस हो गया ये भी एक लर्न करने का तरीका है ये इस तरह से फॉर्मेशन लेंसेस की नहीं होती है ये सिर्फ़ याद करने का एक तरीका बताया गया है तो अगर कनकेव और कन्वेक्स लेंस को अगर मैं आप लोगों को डेली लाइफ में एक्सप्लेन करूं तो आप देख सकते हो कि ये लेंस जो है वो आप लोगों की स्पेक्स में होता है और ये जो लेंस है वो आप लोगों की फादर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स की स्पेक्स में होगा ऐसा क्यों ये हम डिस्कस करेंगे एलेवेंथ चैप्टर में दैट इज़ आई इस चैप्टर के लिए आप सिर्फ अपने स्पेक्स देखें और उसको टच करके देखें कि जहाँ से फ्रेम होगा ये जो पार्ट होगा जहाँ से फ्रेम होगा ये यहाँ पर थिक होगा और मिडल में आता आता थिन हो जाएगा जबकि आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के स्पेक्स को हाथ लगा कर देखेंगे तो आप देखोगे कि उनकी एजेस जो होंगी वो बिल्कुल थिन होंगी और जो बीच में से होगा वो एकदम थिक होगा तो आप जब उसको टच करोगे तो आपको उसकी शेप का अंदाज़ा हो जाएगा तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस तो यहाँ हम बात करेंगे लेंसेज़ की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में तो मैं पहले एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ लेंस तो ये है लेंस और ये क्या होती है प्रिंसिपल एक्सेस तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सेम चीज़ें मिरर में भी की हुई थी अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर नहीं पढ़ा है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखिए जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा वहाँ से अगर आप रिलेट करोगे इस वीडियो को तो आपको बहुत कुछ रिलेटेड मिलेगा और बहुत हेल्पफुल भी होगा आपके लिए तो ये एक लेंस है कौन सा लेंस हो गया ये आपका कौनकेव लेंस हो गया अब ये क्या होती है प्रिंसिपल एक्सेस होती है जो सेंटर से जाती है अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ से आपको एक स्फेयर दिख रहा है अब हम इसको इमेजनरी क्या करेंगे इसको हम डॉटेड बनाएंगे अपनी आईज़ में इसको इमेजिन करेंगे एक ये सर्कल बन गया और एक ये स्फेयर बन गया तो दो स्फेयर आपको मिल चुके हैं अब ये स्फेयर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा सेंटर भी होगा तो ये है फर्स्ट सेंटर ये है सेकंड सेंटर ठीक है सेंटर से लेकर जो आप लोगों का यहां तक की इमेज यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फर्स्ट का हो गया ये सेकेंड का हो गया ऑल्सो अगर आप लोगों को याद हो तो इसका जो हाफ होता है बिल्कुल सेंटर इसे हम बोलते हैं फोकस तो ये हो गया फर्स्ट वन इसका हाफ जो होगा ये भी क्या होगा फोकस ये हो गया सेकेंड और फोकस से लेकर इस सेंटर का इसे हम बोलते हैं ओ दैट इज ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगी आपकी फोकल लेंथ फर्स्ट यहां से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगी आपकी फोकल लेंथ सेकेंड तो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम यहां पर अब डिफाइन करने वाले हैं तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कैसे डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ द स्वियर फॉर्म बाय द लेंस लेंस का जो सरफेस है उससे जो स्फीयर बन रहा है उसका जो सेंटर है उसे हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सिमिलरली अगर हम रेडियस डिफाइन करें तो रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे द रेडियाई ऑफ स्फर्स ऑफ विच लेंस सर्फिस फॉर्म पार्ट आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर यानी कि इस लेंस के सर्फेस से जो स्फियर का पार्ट बन रहा है उसका जो सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस आया है उसे हम बोल रहे हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर रेडियाई की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रेडियाई क्या होती है रेडियस का प्लूरल तो रेडियस एक हो गया रेडियाई यहाँ पर रेडियस दो दो हैं तो दैट मीन्स क्या बोलेंगे हम रेडियाई ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट टर्म अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है और जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड वो क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्या है आपके पास दैट इज ओ ओ इज ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल जो सेंटर का पॉइंट होगा लेंस का उसे हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं नेक्स्ट अगर हम डिफाइन करना चाहें अपर्चर अपर्चर क्या होता होगा यहां से लेकर यहां तक का ऑप्टिकल क्या होता है इसको हम बोलते हैं डायमीटर तो उसे हम बोलते हैं अपर्चर लेट डिफाइन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्पेर लेंस इफेक्टिव डायमीटर इफेक्टिव डायमीटर जो चीज आपको दिख रही है इसको कंप्लीट करके तो इफेक्टिव क्या जो हम देख पा रहे हैं ये डायमीटर जो है इसे हम क्या बोलते हैं अपर्चर और नेक्स्ट अगर हम डिफाइन करना चाहें फोकल लेंथ क्या होती है फोकल लेंथ फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस उसे हम बोलते हैं उसकी फोकल लेंथ तो ये तो हमने बात करी कन्केव की सिमिलरली अगर मैं कन्वेक्स के अगर मैं बात करती हूँ तो कन्वेक्स के लिए ये हो गई फिगर और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया क्या ऑप्टिकल सेंटर इसको अगर इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा एक स्फीयर और ये हो जाएगा दूसरा स्फीयर और यहां अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये हो गया c1 ये हो गया c2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड ये हो गया फोकस फर्स्ट, ये हो गया फोकस सेकेंड यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ, ऑल्सो अगर हम अपर्चर की बात करें तो ये हो गया क्या अपर्चर तो ये सारी के सारी टर्म्स आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो ये था कॉनकेव ये है कॉन्वेक्स और अब एक लास्ट टर्म जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं दैट इज प्रिंसिपल फोकस इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है टू मार्क्स में एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस एंड और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस तो यहाँ के लिए मैंने कंकेव ड्रॉ कर लिया यहाँ के लिए मैंने कन्वेक्स ड्रॉ कर लिया प्रिंसिपल फोकस की पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ उसके बाद आपको समझाती हूँ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर ऑल द लाइट रेस ट्रेवलिंग एक्चुअली कन्वर्ज और अपीयर टू इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस क्या कहना चाह रहा है ये ये कहना चाह रहा है कि जब इसके ऊपर लाइट रेज फॉल करती हैं पैलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस किसी लेंस में वो डाइवर्ज कर जाती हैं डाइवर्ज का मतलब अपने पाथ से हट जाती हैं और किसी में वो कन्वर्ज कर जाती हैं तो क्या होता है जैसे ही वो सेंटर में आती हैं यहाँ पर आती हैं तो वो क्या कर जाती हैं इस केस में वो कर जाती हैं डाइवर्ज यानी कि अपने पात से क्या हो जाती हैं बिल्कुल अलग हो जाती हैं कैसे ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाती हैं अपने पात से अलग हो जाती हैं निकल जाती हैं ठीक है एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंकेव लेंस के ऊपर जब भी रेस फॉल होती हैं तो उन्हें वो डाइवर्ज कर देता है डाइवर्ज मतलब अपने पात से हटा देता है तभी हम इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं लेकिन हमें इमेज कहाँ चाहिए होती कहाँ जहाँ पर क्या हो रही होती है हमारी मीट हो रही होती है रिफ्लेक्टेड रेस राइट तो अगर मैं इनको मीट कराने की कोशिश करूँ यहाँ से तो कोई मीट नहीं होंगी है ना अगर मैं इनको मीट कराने की कोशिश करती हूँ तो कैसे होंगी बैकवर्ड अगर मैं इसको करूँ एक्सटेंड तो इस तरह से होगी ये भी इस तरह से होगी ये इस तरह से जाएगी ये भी इस तरह से जाएगी तो ये जो पॉइंट है ये है आपका क्या फोकस जैसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस आप बाकी सेम चीजें रहेंगी वही हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सेम यहाँ पर भी ऐसा हो गया वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होता है आपका प्रिंसिपल फोकस अब अगर इन डाइवर्जेंट रेस को कोई अपनी आई से देखे तो उसे ये अपीयर होगा कि ये इस फोकस पॉइंट निकल कर डाइवर्ज हो रही हैं तो लेंस में फोकस पॉइंट पॉइंट एक ऐसा होता है जहां से हमें रेस डाइवर्ज हुई दिखाई देती हैं बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता बिकॉज लाइट तो पैलर आ रही थी और उसके बाद डाइवर्ज हो रही थी ऑल्सो सेम अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो क्या होता है जैसे ही ये जहाँ पर टकराती हैं तो ये आगे जाके क्या हो जाती हैं एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं इस तरीके से तो जिस पॉइंट पे मीट कर जाती हैं इसे हम बोलते हैं उसका प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस अभी मीट हो रही है क्या एक्चुअली कन्वर्ज हो रही हैं एक्चुअली मीट हो रही हैं और देखिए हमने यहाँ पर क्या किया इसको आ, हमने डॉटेड नहीं बनाई एक्चुअली मीट हो रही हैं कन्वर्ज हो रही है तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस और ये होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस तो चलिए अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन तो साइन कन्वेंशन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई भी लेंस ड्रॉ कर सकते हैं चाहे आप कनकेव कर लो चाहे आप कन्वेक्स कर लो तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूं कन्वेक्स तो ये हमने एक लेंस ड्रॉ कर लिया है और ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सेस राइट right? सो so, अब साइन कन्वेंशन क्या होती हैं? अब इस चीज को आप एज अ ग्राफ देखिए ग्राफ क्या होता है ये एक्स एक्सेस ये जब भी हम इधर जाते हैं ये हो गई एक्सेस जब भी हम राइट right की तरफ जाते हैं तो ये क्या होती है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री यहां आते हैं तो सब माइनस में होता है ऊपर जाते हैं तो सब प्लस में और नीचे की तरफ सब माइनस होता है, राइट right? सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ऐसा ही करना है जब कोई भी चीज आपकी यहां से मेजर करनी होगी लेफ्ट साइड पे मेजर करनी होगी तो लेफ्ट साइड पे क्या होगी माइनस और राइट right साइड पे अगर मेजर करनी होगी तो वो क्या होगी पॉजिटिव अगर अपवर कुछ मेजर करना होगा वो होगा पॉजिटिव अगर कुछ डाउनवर्ड मेजर करना होगा वो होगा आपका नेगेटिव तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं जब भी कोई डिस्टेंस हम पैरले टू द प्रिंसिपल एक्सिस लें और लेफ्ट साइड पे लें लेंस के तो वो होगा हमेशा आपका नेगेटिव सिमिलरली कोई डिस्टेंस अगर आप लोगों का पैरलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और राइट right हो लेंस के तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव चीज़ लेंगे हम उसकी कोई डिस्टेंस परपेंडिकुलरली यू कैन सी हेयर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और अपवर्ड हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे कोई डिस्टेंस अगर आपका परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट डाउनवर्ड हो किसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसे हम क्या बोलेंगे नेगेटिव उसको लेंगे तो ये सब साइन कन्वेंशन आपकी हेल्प करेंगे नोमािकल्स को सॉल्व करने के लिए सो थैंक यू दैट्स ऑल्व फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट Image formation by convex lens. Thank you.